सो हेलो दोस्तों, आपको बता दें एनसीबी ने उठाया एक और सख्त कदम और करण जौहर को भेज चुकी है नोटिस। जी हाँ, आपको बता दें करण जौहर को सुशांत सिंह केस में एक और नया मोड़ आ चुका है। जी हाँ, आपको बता दें हाल फिलहाल में एनसीबी ने मांगा है करण जौहर से सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ के साथ साथ सारे जो भी इन्होंने वीडियो शूट किए हैं, जो वीडियो आपको पता होगी कि कुछ दिन पहले दिखाए गए जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपको नज़र आ रहे थे, और उस वीडियो के अनुसार करण जौहर पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि करण जौहर ही पार्टी कराते हैं ड्रग्स की। लेकिन करण जौहर ने कहा कि मुझे बदनाम किया जा रहा है और मेरे धर्मा प्रोडक्शन को बेमतलब के इल्ज़ामों से चुबोया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें बॉलीवुड इंडस्ट्री में जब से सुशांत सिंह की हत्या हुई है तब से ही लोगों का कहना है कि इसमें करण जौहर भी शामिल है, और करण जौहर ने उससे साफ साफ पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। लेकिन आपको बता दें सच्चाई छुपाई से नहीं छुपती। जी हाँ, आपको बता दें हाल फिलहाल में एनसीबी ने फिर से करण जौहर को भेजा दोबारा से समन और कहा कि अब सारे जितने भी प्रूफ हैं, यानी कि करण जौहर के पास जो भी वीडियो हैं, सारी वैलिड वीडियो हमें भेजे, और साथ ही साथ ये प्रूफ करे कि ये वीडियो उन्होंने किस लिए और क्यों बना के रखी थी और इसमें क्या क्या हो रहा है, ये सारा उनको कन्वेंस करना होगा एनसीबी को। यानी कि एनसीबी अब उनसे पूछताछ करेगी, और साथ में एक और नया मोड़ आता हुआ नज़र आ रहा है सुशांत सिंह के केस में। जी हाँ, उनके फैनों के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत भरी न्यूज़ निकल के आई है ये सामने, जिससे सुशांत सिंह की आत्मा को तो शांति मिलेगी, साथ साथ उस बॉलीवुड इंडस्ट्री का भी खुलासा होगा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री खाली नेपोटिज्म ही फैला रही है इतने दिनों से। जी हाँ, आपको बता दें यार, अब नया खुलासा होने के बाद सुशांत सिंह के फैनों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी होने वाली है ये। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।